केजरीवाल का अगर हो जाए तो केजरीवाल को दे सकते, बीजेपी को भी दे सकते। नहीं तो नहीं नहीं, हमारा तो बीजेपी को ही जाएगा। हाँ अगर समझदारी से चले तो फिर तो देख के चलना पड़ेगा ना कि कौन सी पार्टी हमारे लिए काम कर रही है। नहीं आया टैंकर नहीं आते, नहीं लगा जीरो आता है। हाँ दो बार से आ रहा, दो बार से पूछेंगे। और जो है कैसे हम नहीं कर सकते, किसको वोट देंगे? जो अच्छा काम करेगा उसको वोट देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई पानी नहीं आया है। हाथ ट्यूबवेल लगे हुए हैं जो कि 10 दिन में एक बार ही पानी आता है। सोनिया बिहार की पानी का सप्लाई हो क्यों नहीं देते हैं? हाँ तो जीरो आ रहा है जी, बिल्कुल आ रहा है। बिजली बिल तो जीरो आ रहा है, लेकिन बिजली बिल भी जीरो क्यों आ रहा है? जो हम यूज कर उसका देना ही चाहिए हमको। नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, बिजली बिल्कुल नहीं चाहिए। चलो मेरी बात सुनो, मैं तो एक बात जानती हूँ कि इलेक्शन पास आ रहे हैं, हर पार्टी अपने अपने पते में, इसके बाद हमारे को लग रहा है डबल ही देना पड़ेगा बिजली का बिल तो। नमस्कार, स्वागत है जनता जनार्दन में। और इस वक्त आप देख रहे हैं देवली विधानसभा 47 के अंतर्गत ये एल ब्लॉक है, और एल ब्लॉक में यहाँ पर डॉक्टर विनोद कुमार पासवान के माध्यम से, जो कि बीजेपी से हैं, यहाँ पर वोटर आईडी जो नई बनेगी उसके लिए यहाँ पर कैंप रखा गया है। और लगभग ये 5 बजे का समय है तो ये कैंप एंड हो चुका है, मगर फिर भी यहाँ पर लोग आ रहे हैं पूछताछ करने के लिए। हम अभी देखेंगे कितने फॉर्म यहाँ पर जमा हुए हैं। बहरहाल जो भी हमारे साथ व्यक्ति मौजूद है इनसे बात करते हैं। क्या नाम है? नाम खिलाड़ी जी, ये बताइए आपने यहाँ पे क्या फॉर्म भराया? हाँ जी जी। खुद का और किसका? खुद का और पत्नी का। पत्नी लगा रखा है यहाँ पर? ये डॉक्टर साहब विनोद का है। केजरीवाल किस तरीके से? केजरीवाल का अगर हो जाए तो केजरीवाल को दे दूंगा, बीजेपी को? बीजेपी को भी दे सकता हूँ। तो ये विचारधारा रहेगा। और भी लोग यहाँ पर बात करेंगे लोगों से। आपने आंटी यहाँ पे फॉर्म वगैरह भरा है? हाँ जी भरा है। हाँ जी। नहीं पहले नहीं बना, बन नहीं पा रहा था तो कैसे बनवाते? अब बन रहा आसानी से तो बनवा रहे हैं। आसानी से कैसे बन पा रहा? क्योंकि विनोद हमारे जो विनोद पासवान जी ने उन्होंने बोला था कि यहाँ पे कैंप लगाया जाएगा, क्योंकि अभी आपको पता ही चला कहाँ पर बन रहे हैं नहीं बन रहे, तो हमने बोला अच्छी बात है कि हम यहाँ से बनवा लेंगे, पास से बन गए तो। फिर हमने इनका कैंप मंदिर के पास से मंदिर कैंप लगवाया यहाँ पर। फिर उसके साथ कौन पार्टी बना रही है? ये पार्टी तो बीजेपी की बना रही है। मैंने भी भरा है। क्या क्या आपको समझ में आता है, किसने लगाया है? ये डॉक्टर विनोद कुमार पासवान। तो आंटी राजनीतिक सवाल किस तरीके से देखते हैं दिल्ली की स्थिति, पानी बिजली सड़क नाली परिवर्तन, क्या मोदी जी के राज में तो वैसे बहुत सुविधाएं हमें मिल रही है जो हमें नहीं पहले मिल पाई थी, तो अब तो हमें बहुत मिल रही है। मतलब जहाँ हम जाते हैं हमें ये है कि हम किसी चीज में परेशान नहीं हो पाते, आसानी से काम हो जाते हैं हमारे। नहीं तो नहीं नहीं, हमारा तो बीजेपी को ही आएगा। हाँ अगर समझदारी से चले तो फिर तो देख के चलना पड़ेगा ना कि कौन सी पार्टी हमारे लिए काम कर रही है, तो हमें तो उनको ही देख के देख डाला। यही मरे का पानी नहीं आया, टैंकर नहीं आते हमारे पहल के गली। आपका मीटर कनेक्शन लगा है? नहीं लगा। बिजली बिल जीरो आता है? हाँ दो बार से आ रहा, दो बार से जीरो आ रहा है। कैंप कैंप की तरफ बढ़ते हैं और कैंप के बारे में अभी मैडम से पूछते हैं। मैडम कितने फॉर्म आज भर दिया आपने? सर सुबह से हम 200-300 फॉर्म भर चुके हैं, और देखिए टाइम ओवर हो चुका है जब भी हम काम कर रहे हैं। आप क्या कितने फॉर्म हो गया? मेरे अलग से मेरे 200 के करीब हुआ है। हाँ जी, तो लगभग इनके मैडम के 150-300 ये। हाँ इनका अलग है मेरा अलग है, तो ये अलग करे हम ये। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे यहाँ पर ओनली पहचान पत्र का ही भरे जा रहे हैं, पर जो ये भैया का ऑफिस है 2300 में ऑफिस है भैया का, वहाँ पर आपको राशन कार्ड भी बनाया जाएगा, वृद्धा पेंशन होते हैं वो भी बन रही है, और जो विधवा पेंशन है वो भी बनाई जा रही है। अगर हर कोई बोल रहा है कि यहाँ पे अभी हमने सब बोल रहे हैं कि हमने पहले हम सब बता रहे हैं कि यहाँ पर पहले फॉर्म भरे थे हमने, प्रकाश जारवाल के यहाँ पर बोल रहे थे कि भर दिए हमने फॉर्म पर हमारा पहचान पत्र आया नहीं है। और हम तो ये बल्कि ये कर रहे हैं कि उनको हम एप्लीकेशन नंबर भी दे रहे हैं कि आप यदि चेक भी कर सकते हो। आप लोग हैं इनसे बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? अनिल चौहान नाम है। अनिल जी ये बताइए, राजनीतिक समझ और राजनीति के बारे में पूछना चाहूंगा। विधानसभा का इलेक्शन आ रहा है, क्या समझ रखते हैं कि कौन पार्टी अभी किस तरीके से विचारधारा आपका आ रहा है कि सत्ता परिवर्तन होगा या वही चलेगा? क्या देखिए, अगर सत्ता परिवर्तन जो भी पार्टी करेगी उसको हम वोट देंगे, और जो है कैसे हम नहीं कर सकते, किसको वोट देंगे? जो अच्छा काम करेगा उसको वोट देंगे। काम के बारे में अगर मैं पूछूं, आम आदमी पार्टी की सरकार है ही, कौन से ब्लॉक में आप रहते हैं?
यजबाग में रहता हूँ। पानी के बारे में केजरीवाल बोल रहे हैं कि पानी आ चुका है और फ्री में दिया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई पानी नहीं आया है। हाँ, ट्यूबवेल लगे हुए हैं जो कि 10 दिन में एक बार ही पानी आता है। जमीन से पानी खत्म हो जाएगा फिर क्या करेंगे? हाँ, तो वही तो समस्या है। जो सोनिया बिहार की पानी का सप्लाई है वो क्यों नहीं देते हैं? हाँ, तो बिजली बिल जीरो आ रहा है जी? बिल्कुल आ रहा है, बिजली बिल तो जीरो आ रहा है, लेकिन बिजली बिल भी जीरो क्यों आ रहा है? जो हम यूज कर रहे हैं उसका तो देना ही चाहिए हमको। नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, अपनी चीज बिल्कुल नहीं चाहिए। फ्री आपको कैसा लग रहा है? फ्री आ रहा है तो आपको क्या? बहुत अच्छा लग रहा है, जनता को फ्री पानी मिल रहा तो बहुत अच्छी बात है। फ्री पानी कहाँ है? हाँ, तो बिजली का भी है क्या भाई? अब तो जीरो बैलेंस हो रहा है। हाँ, हम तो चाहते हैं कि भाई साहब यहाँ पर बोल रहे हैं, बिल्कुल जो जेन्युइन बिल होता है। यहाँ पर एक छोटा सा डिबेट है कि आप फ्री क्यों चाह रहे हैं? भाई साहब अभी लॉजिक बताएंगे कि क्यों वो फ्री नहीं चाह रहे हैं। आप किस लिए चाह रहे हैं फ्री क्यों? तो मेरी बात सुनो, मैं तो एक बात जानती हूँ कि इलेक्शन पास आ रहे हैं, हर पार्टी अपने अपने सत्य में कोई नहीं दे रही, नहीं चाहती, और इसके बाद हमारे को लग रहा है वो डबल ही देना पड़ेगा बिजली का बिल। तो यही वजह है कि हम नहीं फ्री चाह रहे हैं, कि सबसे बड़ी बात जो नेटवर्क आता है, जो नेटवर्क बिल होता है वो हमसे लें, वही क्या है, जब वो फ्री दे रहे हैं तो आगे चल के हमारे ऊपर भारी पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? वो हम पब्लिक के ऊपर भारी पड़ेगा, केजरीवाल के लिए तो भी पड़ेगा। आपको क्या लगता है, आपको क्या समझ है? यही मैं कह रहा हूँ, जो कह रहे हैं कि महिला जो उन्होंने बोला है, जो बोला है इन्होंने, इनसे मैं सहमत हूँ कि बिजली हमारे लिए जो फ्री है वो नुकसान है। आगे हम लोगों को हमारे जो क्या कहते हैं, हमारे देश पर लोड पड़ रहा है, ये गलत है। अपने केजरीवाल अपने जेब में से तो नहीं दे रहे ना, ये हमारी जनता में से ही निकाल के देना पड़ेगा दोबारा, तो ये गलत बात है। तो ये गलत बात है। आप जरा आगे आइए, क्या नाम है आपका? उमेश शुक्ला। उमेश जी, आप ये जो दोनों व्यक्ति अभी बोले थे, आप सहमत है इनकी बातों से? आप अलग सोच के सर, बात यही है कि देखिए यहाँ सर संगम बिहार आप अच्छी तरह जानते हैं, यहाँ हर कोई एक जैसा नहीं है, कोई बड़ा है कोई छोटा है, समझ गए? पॉइंट तो, वो नहीं है, मेरा पॉइंट ये है कि बिजली आपको फ्री दी जा रही है, वो पैसा और जो आपको फ्री आपको जेब बचत हो रहा है वो आगे असर करेगा या अभी आपको अच्छा लग रहा है उसके ऊपर क्या सोच? नहीं, जिस सीमित तक अभी चल रहा है तो फिलहाल ठीक है, 200 यूनिट तक फ्री है सर। देखिए उनमें उनमें उनका भी कुछ प्रॉफिट होगा, इन दौरान उनका भी कुछ प्रॉफिट होगा, क्योंकि उनकी अपनी सत्ता है, अपने हिसाब से चला रहे हैं। लेकिन सर देखिए, वो तो समझ में आता है, सस्ता करके दें वो तो समझ में आता है, फ्री नहीं चाहिए, फ्री बिल्कुल भी नहीं चाहिए। जो नेचुरल उसका खर्चा आता है वो तो हमें देना पड़ता है, और देने देंगे हम सक्षम है देने के लिए, और आज नहीं देंगे तो कल देंगे, देना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो हमारा मन ये है कि जो नेचुरल खर्चा आता है बिजली का, जो हम जहाँ तक हमें छूट दे सकते हैं वो छूट दें, बट ये नहीं कि पूरा छूट दे दें, पूरा छूट का कहीं प्रावधान नहीं है, प्रावधान नहीं है। यहाँ जो नेचुरल जितना छूट दे सके गरीबों के लिए उतना छूट दें, बाकी जो नेचुरल आता है वो हमसे हमें देखिए कोई की फ्री बढ़िया है, भैया बढ़िया थोड़ा है, जितना कोई बिजली जलाएगा उसको देगा ही, देखो हर अपने घर से कोई ना इंसान देता है बिजली, ये तो सरकार है भाई जैसे चलाएगी। तो ये थी आम जनता, यहाँ पर हेल्थ ब्लॉक से हमने सर्वे रिपोर्ट के माध्यम से ये जताने की कोशिश की, यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत है कि पानी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, सोनिया बिहार का पाइपलाइन नहीं है। बहरहाल यहाँ पर डॉक्टर विनोद कुमार पासवान के माध्यम से यहाँ पर जो मतदाता पहचान पत्र का यहाँ पर कैंप लग रहा है, और देखते रहिए जनता जनार्दन के साथ जुड़े रहिए, आने वाले दिनों में जमीनी हकीकत दिखाने के लिए इसी प्रकार से आम जनता की सोच और विचारधारा को हम प्रकट करने के लिए जद्दोजहद कोशिश करते रहेंगे। दीजिए इजाजत, जय हिंद, वंदे मातरम।